हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नूपुर। मैं आज आप लोगों को डैंड्रफ के बारे में कुछ बातें शेयर करूंगी। सर्दियाँ आ ही चुकी है ऑलमोस्ट, और सर्दियों में ऐसे कोई भी नहीं होगा जिसको डैंड्रफ से परेशान नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत सभी हम परेशान होते हैं, किसी को थोड़ा ज़्यादा, किसी को थोड़ा कम। तो इसीलिए आज मैं कुछ होम्योपैथी मेडिसिन, शैम्पू और तेल आप लोगों को बता देंगे, जिससे आप लोगों को बहुत बेनिफिशियल होगा, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। पर हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे मैं कुछ भी वीडियो अपलोड करूं हेल्थ एंड होम्योपैथी के बारे में तो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थोड़ा बहुत बता दूं कि डैंड्रफ है क्या। डैंड्रफ एक्चुअली जो हमारे स्किन के जो सेल होते हैं वो जो डेड हो जाते हैं उसी को रूसी या डैंड्रफ के रूप में हम लोग बोलते हैं, या स्कैल्प में दिखता है सफ़ेद सफ़ेद, या कभी कभी येलो इस चिपचिपे टाइप का दिखते हैं। तो ये जो सर्कल है वो तो नॉर्मल है कि हमारा डेड सेल डेड होना ये नॉर्मल साइकिल है। ये 28 दिन में ऑलमोस्ट होता है कि 28 दिन बाद हमारे जो स्किन के जो सेल होते हैं वो डैमेज डेड हो जाते हैं और फिर उसमें नया सेल बनते हैं। उसी तरह सेम हमारे स्कैल्प में भी सेल डेड होते हैं, और जब डेड होते हैं, जब बहुत जल्दी जल्दी डेड होते हैं, तो वही फिर वो सफ़ेद सफ़ेद पपड़ी पपड़ी टाइप के दिखने लगते हैं। और जब हमारे कुछ ग्लैंड्स हैं, सीबेसिस ग्लैंड्स जो होते हैं जहाँ से ऑयल सिक्रेशन होते हैं, वो ऑयल जब सिक्रेशन होते हैं तो जब उसके साथ वो डेड सेल चिपक जाते हैं तो भी चिपचिपे टाइप के रूसी होते हैं या डैंड्रफ होते हैं। ऑलमोस्ट सभी को थोड़ा बहुत होता ही है, किसी को थोड़ा ज़्यादा होता है, किसी को थोड़ा कम होता है। और डैंड्रफ ऐसे कुछ हार्मफुल कंडीशन नहीं है कि किसी को बहुत ज़्यादा इससे हार्म होगा या कुछ नुकसान, बट ये होता है कि अगर डैंड्रफ बहुत ज़्यादा होते हैं तो हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। एक इचिंग होती है, बाल बहुत ख़राब हो जाते हैं, बहुत बेजान से हो जाते हैं, उसमें कोई चमक नहीं रह जाता है। तो ये सारी परेशानियाँ डैंड्रफ की वजह से होता है। तो जिनको बहुत कम होते हैं डैंड्रफ, इतना ज़्यादा परेशान नहीं होते हैं, वो अपना घर का होम रेमेडी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे थोड़ा सा दही और उसमें ए हाफ नींबू निचोड़ के पेस्ट बना लिया और उसको अपने स्कैल्प में बहुत अच्छे से मसाज करके आधा घंटे बाद अपना जो भी नॉर्मल शैम्पू आप यूज़ करते हैं उससे आप बाल को धो लीजिए। इससे भी आपको इस डैंड्रफ या रूसी में बहुत आराम मिलेगा। लेकिन जिनको थोड़ा ज़्यादा परेशान होते हैं, इसके वजह से हेयर फॉल हो रहे हैं, या आपके जो हेयर है उसका शाइनिंग या जो होता है ना चमक होती है वो चला जा रहा है, बिल्कुल ड्राई हो रहे हैं, उनके लिए कुछ मैं होम्योपैथी मेडिसिन बता रही हूँ। सबसे है कि आप जो इंटेक करेंगे वो मेडिसिन है नेट्राम्यूट 12x। नेट्राम्यूट 12x आप दिन में तीन बार चार गोली थोड़े से हल्के गर्म पानी के साथ ले लीजिए। ये 2-3 महीने तक भी आप ले सकते हैं आराम से, ये सर्दियाँ जितने दिन तक है तब तक आप ले सकते हैं। और साथ में आप एक हेयर ऑयल आता है BNT का एंटी डैंड्रफ, ये शॉबे कंपनी का आता है, जर्मन कंपनी का ऑयल है, बहुत ही अच्छा है। और आप लोग जानती हैं कि होम्योपैथी में ऐसे कुछ भी नुकसान होने के चांसेस नहीं रहते हैं, बहुत कोई हाई केमिकल भी इसमें नहीं है। और ये आप जो मेडिसिन इसमें पड़े हुए हैं वो बहुत अच्छे मेडिसिन है, आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद मेडिसिन है। तो ये आप रात को अपने बालों में बहुत अच्छे से मसाज कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि आप वर्किंग है, आपको बाहर जाना है, तो आप नेक्स्ट दिन शैम्पू कर सकते हैं, और नहीं तो आप उसको 1-2 दिन के लिए बाल में ऐसे छोड़ भी सकते हैं, उससे कोई परेशानी नहीं होगी।
और ये तो मैंने हेयर ऑयल और आपको खाने की दवा बता दिया। अब होता है कि शैम्पू को लेके भी लोगों में बहुत टेंशन रहती है कि कौन सा शैम्पू लगाएं, और विशेष करके जिनको डैंड्रफ हो रहा है या हेयर फॉल हो रहा है वो बहुत ओरिड करते हैं कि कौन सा शैम्पू लगाएं, क्योंकि मैक्सिमम शैम्पू में ही बहुत ज़्यादा केमिकल मिक्स होते हैं जिससे कई बार बालों का हमारे नुकसान भी होते हैं। तो इसीलिए हमारे होम्योपैथी के बहुत अच्छा मेडिसिन, बहुत अच्छा शैम्पू जो आप लोग भी शायद बहुत नोन होंगे इस शैम्पू से, आर्निका शैम्पू। आर्निका शैम्पू आप कई बहुत सारी कंपनी के आते हैं, कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, आप उसको यूज़ कीजिए। हफ्ते में आप 2-3 बार भी अपना बालों में शैम्पू कर सकते हैं, ऐसा कोई ये नहीं है। कई लोगों बोलते हैं कि रोज़ शैम्पू नहीं करना चाहिए या बहुत जल्दी जल्दी शैम्पू नहीं करना चाहिए, ये गलत धारणाएं हैं। अगर आपके बाल गंदे हो रहे हैं, आपको रोज बाहर जाना होता है, धूल मिट्टी उसमें जम रहा है, तो आप चाहे तो रोज भी शैम्पू कर सकते हैं या हफ्ते में 2-3 बार तो जरूर शैम्पू कर लिया कीजिए। इससे आपके बाल जो स्कैल्प के जो धूल मिट्टी बाहर के जो ये जम जाते हैं वो साफ हो जाएंगे और आपके बालों में भी एक चमक सी आ जाएगी शैम्पू करने से। तो आप इन मेडिसिन को यूज़ कीजिए, देखिए इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को भी ये शेयर कीजिए, जैसे आप फ़ायदेमंद हो तो और भी लोग फायदे इसके उठाए। चलिए आज यही तक, फिर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।